तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उनके मुंडन से करीब दस दिन के अंदर अंदर हाँ। और उनकी अस्थियों को गाड़ा जाता है पीपल के पेड़ के नीचे ठीक है तो वो लोग जो होते हैं ना वो मुंजा बनते हैं उन्होंने कुछ अगर गलत काम करे होते हैं कुछ भी होता है उनकी इच्छा होती है मोस्टली बच्चे होते हैं उनकी शादी की इच्छा रहती है अच्छा हाँ मोस्टली मूवी के अंदर भी यही दिखाया गया है मुंजा के बारे में और ये बताया गया है कि ये बेसिकली भ्रम राक्षस होते हैं एक टाइप के भ्रम राक्षस होते हैं तो ऐसा होता है इसके अंदर। तो ये जो बच्चे होते हैं भाई मतलब छोटी उम्र में शादी की इच्छा या अधूरी को दिमाग में ठान रखा है मुझे बड़ा हो कि ये बनना है बनना और उसी के लिए वो कोशिश भी करना चाह रहा है अचानक से कोई अकाल मृत्यु एकदम से मृत्यु बिल्कुल और ऐसा भी कुछ है कि ये छोटे बच्चों के साथ ही होता है पांच साल से कम या दस साल से कम देखो इसकी ना मान्यता है अलग अलग जगहों पे ठीक है अब जैसे बंगाल के अंदर इसको ब्रह्मादित्य बोलते हैं ब्रह्मादित्य या और कई जगहों पे ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं जैसे वो कोई भी उम्र का हो सकता है किसी ने अगर अच्छे काम करे हैं तो वो भ्रमराक्षस नहीं बनेगा अगर वो मरता है तो लेकिन अगर किसी ने इविल काम करे है बहुत ज्यादा उसने ब्लैक मैजिक करा है कुछ भी करा है और अगर उसकी मृत्यु होती है उसकी कोई इच्छा है तो डेफिनेटली वो भ्रमराक्षस बनेगा अच्छा इस बात में भी कंफ्यूजन रहता है भाई आपने तो पक्का रिसर्च की होगी कि सिर्फ एक ब्राह्मण ही बनता है क्या जहाँ तक मैंने रिसर्च करी जहाँ तक मुझे पता है तो ब्राह्मणों को ही बोला गया ये गयास बनते हैं वो क्योंकि ब्राह्मण काइंड ऑफ मैच करता है ठीक है? है तो भाई देर नहीं करते और किस्से पे आ जाते जो आप हाँ। बता रहे थे तो भाई देखो महाराष्ट्र का किस्सा हुआ था नाइनटीन के आसपास तो उसमें बताया गया था कि एक मदन नाम का आदमी होता है ठीक है तो मदन नाम का आदमी क्या करता है जंगल में जा रहा होता है ऐसी पीपल के पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर तो वो क्या करता है वहाँ पर यूरिनेट कर देता है सुसु कर देता है टॉयलेट कर कर करता है उसके बाद क्या होता है कि वो उसको फील होता है कि कोई चीज उसको पकड़ लिया किसी चीज ने अच्छा ठीक है उसके बाद वो घर आता है उसके बाद इतने बुरी बुरी चीजें होती हैं उसके घर में एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं बहुत बुरी तरीके से वो आइडिया था भाई कितने लोग थे चार पाँच लोग होंगे सब, मर जाते हैं एक एक करके मरते हैं और मौत कैसे होती है कुछ आइडिया भाई मौत तो इतनी भयानक होती है कि मतलब बोलने में क्या बोलने किसी की अंतड़ी काट दी गई किसी की जुबान काट दी किसी की आंख निकाल ली ऐसी हरकतें हुई थी और अंत में इसको मारते नहीं है जो ये होता है भ्रमादित्य जो होता है मुंजा ये मारता नहीं है उसको उसका शरीर ले, ले लेता है ठीक है अंदर से मार दिया उसको उसकी आत्मा खत्म कर दी मदन का मदन की उसके बाद उसको गांव वालों ने देखा कि उसको पीपल के पेड़ के ऊपर देखा वो लोगों ने तो उन्होंने दो दिन देखा तीन दिन दे बैठा हुआ है ऊपर तो जब ध्यान से देखा गया आंखें निकली हुई थी उसकी शरीर चल रहा है आंखें निकली हुई हैं लेकिन और अंदर से समझ गए थे कि ये मुंजा है उसके अंदर उसका शरीर ले लिया मुंजा ने बेसिकली ये इनका काम होता है कि मतलब ये इनकी इच्छाएँ होती हैं ये चाहते हैं कि इंसानी शरीर ले लें ये हाँ ऐसा चाहते हैं लोग मुंजा जो होते हैं तो भाई जब इनके घर में डेथ हो रही थी तब गाँव वालों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया भाई ध्यान दिया लेकिन क्या कर सकते थे कुछ कर नहीं सकते थे ना उस टाइम पे तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे ना पुलिस सुविधा है ना डॉक्टर भाई पुलिस यकीन कहाँ करती है इन बातों पर तब यकीन नहीं करती तो कम से कम कोई केस तो बना देती केस क्या बनाते इस चीज़ पे बनाया कि कोई मार रहा है शायद गांव का को ही कोई होगा मार रहा होगा सीरियल किलर की खोज शुरू कर दी थी करी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ सोच कर देखो कि रात में कोई इंसान बिना खो के बैठा है पेड़ के ऊपर एकदम सा जाती है सुन के कि बहुत भयानक आप खुद सोचो कि अगर आप जा रहे हो कहीं पे आप अगर ये पॉडकास्ट देखते देखते रोड पे जा रहे हो और अचानक से कोई पेड़ दिख गया आपको और ऐसा लगे कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा है लेकिन आंखे नहीं है तो आपके ऊपर क्या बीतने वाली है बिल्कुल बिल्कुल वही बात है तो ये केस महाराष्ट्र का हुआ था 1960s, 1963 के थ्री के साथ भी कंक्लूजन इसका निकल के नहीं आया कुछ भी नहीं आया गाँव वालों ने कंफर्म कर दिया फैमिली खत्म हो गई पूरी फैमिली गई मोस्टली होता क्या ना ये जो मुंजाज होते हैं ना इनको बांधा जाता है पीपल के पेड़ से इनको बांधते हैं बांधने के बाद क्या होता है कि अगर कोई इंसान इनकी डिसरेस्पेक्ट कर देता है या कुछ करता है तो उसके ऊपर हावी होते हैं और हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि महाराष्ट्र में इसको पूजते भी हैं कई लोग पूजा भी होती पूजा भी होती है इसकी ताकि उन मतलब बेसिकली कई लोग ये मानते हैं कि ये पूर्वज होते हैं हमारे पूर्वज होते हैं कहते हैं ना इसको कई लैंग्वेज में बोला जाता है कि हमारे पुरखे पुरखे होते हैं पुराने पितृ जो होते हैं हाँ वो होते हैं ये बेसिकली तो मान्यता अच्छी भी और बुरी हाँ, भी है बुरी भी है अब ये साउथ के बारे में बताता हूँ साउथ के अंदर एक मंदिर है है ना कर्नाटक के अंदर जी उसके अंदर ब्रह्मराक्षस की पूजा होती है सबसे पहले अच्छा हां मंदिर जो होगा सुबह उठते ही पहले सबसे पहले भ्रमराक्षस की पूजा होगी और फिर ही देवताओं को पूजा जाएगा तो ऐसे लोकेशन पे फिर भ्रमराक्षस कुछ दिखता भी होगा मान्यता है तो कुछ उससे मांगा भी जाता होगा वो गांव के लिए कुछ करता भी होगा हाँ मांगा जाता है उससे अच्छी हेल्थ मांगी जाती है अच्छी वेल्थ मांगी जाती है उससे ये होता है तो होता है मतलब हाँ, की लोगों की हेल्थ हाँ, में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रसाद जो होता है ना उस मंदिर का अगर भ्रमराक्षस की पूजा नहीं करी तो चावल जो होंगे ना वो पीले पड़ जाते हैं अरे भाई ऐसा होता है और मैं तो रहा हूँ हैदराबाद में बैगलोर में रहा हूँ तो मुझे तो पता है मैंने देखा है वहां पे हर मंदिर के आसपास हाँ। आपको राक्षस की फोटो या मूर्ति कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी पॉजिटिव वही बात है भाई ये मुंजा का जो किस्सा है ना मैंने पहले अगर आप तो भी इसके बारे में सुना था कि ये बच्चों की स्पिरिट होती है और जल्दी से हाथ में नहीं लगती क्योंकि भगवान भी इनको छेड़ने से थोड़ा सा हटते हैं क्योंकि बच्चे हैं जी, जी, जी और कहीं ना कहीं भगवान भी अपने बच्चों को थोड़ा सा उस तरीके से मतलब चोट नहीं पहुंचाते तो कहते हैं कि इनके मनमानी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इनका जो मन होता है वो चंचल किस्म का होता है नहीं इसमें एक और मान्यता ये भी है कि इसमें हनुमान चालीसा ये सब चैंटिंग जो होती है भी काम नहीं करती है इनके लिए जी या मतलब भाई भगवान का हाथ है कुछ कीने नहीं छेड़ना है वही बात है कई लोग इनको बहुत वो मानते हैं कि अच्छे हैं ये लोग सुप्रीम एंटिटी आ, है एंटिटी है अच्छी और जो भगवान के काफी करीब है, है।, है। का तो एक बहुत मतलब टॉयलेट का तो ऐसा है कहीं भी भी आप कुछ देख लो कहीं कहीं ना टॉयलेट का रिलेशन तो निकल ही जाएगा कि डिसरिस्पेक्ट हो गई बिल्कुल बिल्कुल लोग अनचाहे तरीके से भी कुछ ना कुछ में कर जाते हैं और फिर वो भुगतना पड़ जाता है बिल्कुल बिल्कुल और देखो कितनी बड़ी गलती होती है कि सिर्फ यही नहीं भुगतते इनकी फैमिली तक भुगतती है पूरी इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि खाली एक परिवार नहीं है कई सारी पुश्ते तक इनकी वो होती हैं पूरी पीडिया चलती हैं दर है। पीढ़ी अगर एक बार गुस्सा हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी को नुकसान पहुंचेगा तो भाई कोई सॉल्यूशन बताया कि इनको फिर बांधा कैसे जाता है हटाया कैसे जाता है भाई देखो यही बताया गया है बांधने में तो कि जो ब्राह्मण के जो बच्चे होते हैं इनका होता है ऐसा जो मुंजा बनते हैं उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया जाता है अच्छा और फिर धागे के जरिए उसको बांध दिया जाता है कि ये तुम्हारा यही घर है तुम इससे बाहर नहीं आ सकते तो अगर जैसे मूवी जो आई है उसकी बात करें तो उसमें दिखाया गया है और रियल में भी बताया गया है कि अगर ये किसी को पजस कर लेते हैं तो वो आदमी उनके लिए पीपल का पेड़ बन जाता है घर बन रहने के लिए घर बन जाता है फिर ये चीज़ें तो भाई पहली बार सुनी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी और इन्फॉर्मेटिव भी है हाँ। तो ये चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है कि भाई सिर्फ पीपल के पेड़ पे यूरिनेट करने से दिक्कत आती है किसी भी पेड़ पे करोगे तो मरोगे ही मरोगे भाई मुंजा का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो पीपल के पेड़ से ही लिंक हो रखा है हाँ लेकिन जैसे बोलते हैं कि नीम के पेड़ पे भी आत्माएं बैठ जाती हैं बरगद पे भी बैठ हाँ, जाती हैं बैठती हैं है, बिल्कुल बैठती हैं तो आपको लगता है कि डायन ये सब ना बंदा चौराहे पे कर सकता है ना किसी पार्क के पेड़ के पास कर सकता है तो भाई फिर अगर एमरजेंसी में आ जाए तो इंसान शौचालय ढूंढता रह जाएगा भाई शौचालय क्या उसको तो गया वो